लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। क्या यह उम्मीदवार कर पाएंगे इस जगह का कायाकल्प? गोंदिया जिले के दुर्गम इलाके में बसा गांव जो कि विकास से कोसों दूर है, आइए देखते हैं क्या है गांव की हाल। इस वक्त हम लोग मौजूद है गोंदिया जिले के सबसे अति दुर्गम भाग में जो बसा हुआ गाँव है तिरखुरी। इस गांव की लगभग जनसंख्या है 150 लोगों की जनसंख्या है और सारे लोग आदिवासी समुदाय के लोग हैं। और हम अभी इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले 2009 में लोकसभा चुनाव हुए, फिर 2014 में लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद इन्होंने अभी 2019 के लोकसभा चुनाव में यह लोग पदार्पण कर चुके हैं और 2019 में इन्हें किस प्रतिनिधि से क्या अपेक्षाएँ हैं वो जानने का हम प्रयास करेंगे। जैसा कि आपका नाम कपूर मड़ावी। जैसा कि अभी मेरे साथ है कपूर मड़ावी, क्या व्यवसाय है आपका? मैं बेलदार हूँ, मिस्त्री। अच्छा, यह मिस्त्री का काम करते हैं। अभी 2019 का लोकसभा चुनाव हो रहा है तो इसमें आपकी क्या अपेक्षाएं है, कौन सी पार्टी से आप अपेक्षाएं रखते हैं या कौन प्रतिनिधि से अपेक्षाएं रखते हैं? अभी क्या बताने, लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी इस गांव की उदासीनता दिख रही है क्योंकि कई वर्षों से इस गांव का विकास बहुत रुका पड़ा हुआ है। जैसा कि यहां शिक्षा के लिए कोई भी चीज़ मुहैया नहीं है, जैसा यहां इस गांव में शिक्षा के लिए एक आंगनवाड़ी है इस गांव में। हाँ, आंगनवाड़ी है। और कोई प्राथमिक स्कूल वगैरह नहीं है। इस गाँव में एक आंगनवाड़ी है जहाँ छोटे बच्चों को ये किया जाता है, उन्हें पोषण आहार वगैरह देते हैं क्या? हाँ। अच्छा, और यहाँ आपको स्वास्थ्य सेवा के लिए कहाँ जाना पड़ता है, यानी आपको कोई बीमार हो जाए? सुविधा नहीं है ना यहाँ, कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, केसोरी जाना पड़ता है, यहाँ से करीब 20 किलोमीटर, लगभग इन्हें 20 किलोमीटर दूर केशोरी में स्वास्थ्य सेवा के लिए जाना पड़ता है। जैसा कि इस जगह रास्ता तो बना हुआ है, ये रास्ता कब बना हुआ है आपके गाँव का? अभी फिलहाल 2007 यानी 5-6 में बना हुआ है। 2005 या 6 में इनका ये रास्ता बना था। काफ़ी रास्ता दिक्कतों भरा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हम इस जगह पहुंचे हैं इस बुलेट मोटरसाइकिल से, यानी इस जगह हम कार से या किसी कोई बड़े वाहन से पहुंच नहीं पा सकते थे और हम अभी इस जगह पहुंचे हैं। और हम लोगों ने अभी इनसे जाना है कि यहाँ स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया नहीं है, उसके साथ ही यहाँ शिक्षा के, और अच्छा यहाँ बिजली आती है? बिजली भी नहीं है ना, नहीं है। इस गांव में बिजली नहीं है? नहीं, कभी कभी आता है, कभी कभी जाता है तो 2-3 दिन बाद नहीं आता। अच्छा, लगभग इस गांव में बिजली की भी असुविधाएं है, यानी कितने दिक्कतों का सामना करते हुए ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और ऐसे इसमें जरूरतमंदों को सरकार आज, जैसा कि यह गांव जो है महाराष्ट्र के और छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर पर बसा हुआ गाँव है और लगभग इधर पहाड़ी नुमा इलाका है, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, तो इस इलाके में सड़क यहां आकर ख़त्म हो जाती है। गोंदिया ज़िले की यह सड़क इस जगह अंतिम विराम लेती है। मैं कैमरामैन के साथ निशान भाई। तो देखा आपने, इस गांव में बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा, साथ ही साथ पीने के पानी की समस्या भी है। इस जगह के बच्चों ने अब तक नहीं देखी बस। हम लोग इस वक्त सुरबंद बोंडगांव और ये गंधारी जामड़ी वाले रोड पर है। लगभग इस जगह बस नहीं आती है। अभी हम लोगों इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। आपका क्या नाम है? वंदना रमेश इस्कापे। वंदना रमेश इस्कापे करके ये महिला है हमारे साथ। और आपका क्या नाम है? अलका श्रीधर मंडवी। ये अलका जी है। और आपका क्या नाम है? शारदा ओम प्रकाश दखनी। शारदा दखनी जी है। हम लोग इनसे अभी पूछेंगे कि ये कौन से गाँव में रहते हैं आप? हम गंधारी में रहते हैं। आप लोग गंधारी, ये लोग गंधारी में रहते हैं और इस जगह ये लोग बगैर किसी व्हीकल से पैदल इस जंगल से लगभग 4 किलोमीटर का रास्ता है, ये 4 किलोमीटर पैदल जाते हैं जंगल के बीचों बीच। यहाँ बस वगैरह की सुविधा नहीं है क्या? नहीं, नहीं है। अच्छा, आपने कभी सरकार से बस वगैरह की सुविधा मांगी है? हाँ, मांगी है, लेकिन दी नहीं। अभी आपको कभी, यानी कितने वर्षों से आपने बस मांगी है? 10 साल से। पिछले 10 वर्षों से इस जगह बस तक के नहीं चल पाई है, यानी हम कहते हैं कि हमारा ज़िला महाराष्ट्र राज्य का गोंदिया ज़िला यह विकास के कगार पर खड़ा है, लेकिन देखा जाए तो गंधारी जामड़ी और सुरबंद बोंडगांव वगैरह के जो एरिया है, इस एरिया में आज तक के बस कैसी होती है इनके बच्चों ने तक के नहीं देखा हुआ है, यह इन्होंने ही अभी हमें बताया है। अच्छा, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं?
हमारे केसोरी में पढ़ते हैं, नवेगांव बांध में पढ़ते हैं, गोटन गांव में पढ़ते हैं, मगर ये पैदल ही जाते हैं, आना जाना पैदल है इनका। इनके सारे बच्चे आना जाना पैदल ये करते हैं और लगभग इन लोगों की काफ़ी समस्या है, गांव वाले समस्याओं का बहुत सामना कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में सरकार कहती है कि हमने विकास करके दिखाया है। मैं निशान भाई, प्रफुल्ल पटेल गोंदिया भंडारा लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। इस जगह के पटेल से विकास के काम ना होता देख जनता ने उन्हें नकारा और 2014 के लोकसभा में नाना पटोले को जनता ने विकास का मौका दिया, लेकिन नाना ने विकास के मामले में क्षेत्र के पिछड़े साबित हुए। अब जनता 2019 के चुनाव में ना भाजपा ना राष्ट्रवादी बल्कि अपना विकास कराने वाले उम्मीदवार को ही वोट देगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस और दोनों उम्मीदवार केवल सभ्रमण निर्माण कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरें MNS News के साथ। धन्यवाद।